हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं टैबलेट आइबुप्रोफेन 200 mg के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो 200 mg, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है, कौन से ग्रुप की टैबलेट है। तो ये इसकी हम बात करें तो ये हमारी क्या है, NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है उसके ग्रुप की ये एक टैबलेट है। और हम इसका यूज़ माइल्ड टू मॉडरेट, जो हमारे बॉडी में माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, यानी कि जैसे कि कोई टूथ पेन हो गया, यानी कि दांत का दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, या फिर मेनली क्या है देखने के लिए मिलता है लेडीज़ों में पीरियड्स जो पेन होता है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम फीवर को मतलब उतारने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल से ये क्या है एक ज़्यादा प्रभावी दवाई होती है, ज़्यादा प्रभावी गोली होती है। और ये क्या है एक एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी हमारा काम करती है। ये हमें देखने के लिए मिलती है 200 और 400 mg में। इसको हम हेडेक में भी खा सकते हैं, मसल्स पेन में भी खा सकते हैं, अर्थराइटिस में भी खा सकते हैं। और जो हमारा जो बॉडी में बैक एक होता है या बैक पेन होता है उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जो कॉमन, जो इस दवाई को लेने के बाद जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति में। सबसे पहले क्या है, इस गोली को खाने के बाद सबसे पहला कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकता है जैसे कि हेडेक यानी कि सिर दर्द। अब तुम बोलोगे कि मतलब जिस चीज़ के लिए हम गोली खा रहे हैं उसी चीज़ को दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, किसी किसी में क्या है ये सूट नहीं हो पाती किसी किसी के शरीर में ये गोली, तो वो क्या करती है साइड इफ़ेक्ट के रूप में क्या है, हेडेक करती है, डिजीनेस करती है, पेशेंट में ड्राउजीनेस होती है, फैटिग होता है, थका थका सा होता है। और कभी कभी क्या है देखने के लिए क्या मिलता है, जो व्यक्ति मतलब इसका यूज़ कर रहा है उसको कभी कभी रेस्टलेसनेस की भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादा पसीना आ जाता है खाने से, कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्यास लग रही है। और साइड इफ़ेक्ट में हमें और दो चीज़ और देखने के लिए मिलती है कभी कभी, जैसे कि रिंगिंग इन द ईयर, मतलब हमारे कान में ऐसा लगता है कि कोई घंटी बज रही हो। या फिर आई साइट की हम बात करें यानी कि आँखों की बात करें तो मतलब हमें क्या देखने के लिए मिलता है इसमें, यानी कि ब्लर विज़न। कभी कभी हमें ऐसा देखने के मिलता है कि जो हमारी जो आई साइट है वो थोड़ा ब्लरी विज़न हो रहा है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और कंपेयर की हम बात करें कि मतलब पैरासीटामोल अच्छी है या आइबुप्रोफेन, अगर हाँ पैरासीटामोल भले ही 500 mg में है और ये 200 mg में है फिर भी ये अधिक इफ़ेक्टिव होती है। और इसका यूज़ हमें 4 से 6 घंटे का गैप रख के करना पड़ता है, वरना हमारे क्या है लीवर को भी डैमेज करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।